जो लोग भी अपने थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत के, आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल ऐसे 6 आइडिया पर बात करने वाले हैं जिसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके और शुरुआत में थोड़े से मेहनत करके अगर आप उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका वहाँ से रेगुलर इनकम आता रहेगा। पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 6 में से कोई एक आइडिया पसंद आ जाएगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपना। इन 6 आइडिया में से कुछ आइडिया में आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और कुछ आइडिया ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं, तो उसमें आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 6 आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर काम करके आप अपने लिए एक पैसिव इनकम या फिर रेंटल इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। पहला आइडिया है ऑनलाइन फोटो सेलिंग का। देखिए, जो भी कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ोटोज़ वगैरह शूट नहीं करवाती हैं, बल्कि फ़ोटोज़ वगैरह बनवाती हैं या फिर जो भी लोग पहले से मार्केट में हैं जो कि फ़ोटो सेलिंग का काम करते हैं उनसे ये खरीदती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में वेबसाइट हैं, तो आप भी ऐसा ही एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद का सेटअप डाल के खुद का फ़ोटो शूटिंग करवा सकते हैं या फिर अलग अलग फोटोग्राफर को हायर करके और वहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह अपलोड करके और बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ोटोज़ वगैरह सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक फ़ोटो का 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खरीदती है। तो इसमें सिर्फ आपको करना क्या होगा कि एक वेबसाइट बनाना होगा, उसके बाद कुछ फोटोग्राफर को हायर करना होगा और फोटोज़ वगैरह शूट होगा और वेबसाइट पर अपलोड होगा। अलग अलग तरीके का आप फोटो शूट करेंगे उसमें, जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक फ़ोटो का आपका प्राइस है 10,000 रुपये, तो 100 आदमी अगर उसको खरीदता है तो आप सोच सकते हैं कितना इनकम इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने वेबसाइट पर आप हज़ारों लाखों फोटोज़ वगैरह पोस्ट कर सकते हैं जो कि कंपनी खरीदेगी और आपको इसमें से पैसे मिलेंगे। एक फ़ोटो को आप कई बार बेच सकते हैं यहाँ पर। दूसरा आइडिया है जहां से आप अच्छा खासा रेंटल इनकम कमा सकते हैं, यह है ई रिक्शा का रेंटल बिजनेस। देखिए, यहां पर आप शुरुआत में 2 ई रिक्शा ले सकते हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि शुरुआत में 2 ई रिक्शा लिया था, उसको लगभग 3 लाख रुपए का पड़ा था। ठीक है, आप यहां पर EMI पर भी ले सकते हैं ई रिक्शा और उसे किराए पर आप दे सकते हैं। किराए में आपको डेली का 300 से 500 रुपए तक का आसानी से किराया मिल जाएगा। अगर बड़ा सिटी है तो वहाँ पर इनकम भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आप 500 रुपए ले सकते हैं। और एक अगर नॉर्मल सा छोटा सिटी भी है तो वहाँ पर आप डेली का 300 रुपए ले सकते हैं किराए पर देने के बाद। मान लीजिए आपने 2 ई रिक्शा शुरुआत में निकाला, जैसा कि मेरे एक दोस्त ने निकाला था, शुरुआत में 2 ई रिक्शा निकालिए, उसमें से 300-300 डेली का आपका बन जाएगा 600 रुपये, महीने का करीब 18,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छा खासा रेंटल इनकम आपका यहाँ से आ जाएगा। थर्ड आइडिया है कोर्स क्रिएशन का। मान लीजिए आपको कोई स्किल नहीं पता है, किसी विषय के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं जिससे रिलेटेड आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोर्स सेलिंग करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जिसको कोई स्किल पता है, किसी विषय के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, और उनको बोलिए कि मेरे लिए एक कोर्स क्रिएट कर दीजिए आप। ठीक है, तो एक कोर्स वो आपके लिए बना देंगे और उस कोर्स का कुछ अमाउंट आप उसको पे कर दीजिए, उसके बाद वो कोर्स हो गया आपका। अब उस कोर्स को आप गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड के जरिए उसको प्रमोट कर सकते हैं, जहां से आपके बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जो कि उस कोर्स को खरीदेंगे। ठीक, ये तरीके जेन्युइन तरीके हैं और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी नया तरीका नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है कोर्स के बारे में, तो आप दूसरों से कोर्स क्रिएट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक बार अगर किसी से कोर्स आप खरीद लेते हैं तो उसको बार बार प्रमोट करके गूगल ऐड या फेसबुक ऐड से आप हमेशा पैसे कमाते रहेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का। पैसिव इनकम कमाने का फोर्थ आइडिया है कार रेंटल बिजनेस, या फिर आप ऐसी गाड़ियां भाड़े पर दे सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं जिसमें माल लोड होके कहीं आती जाती हो। ठीक है, ऐसे में आप टाटा एस ले सकते हैं जिसे हम लोग छोटा हाथी भी बोलते हैं, या फिर आपके पास कोई भी पुरानी पड़ी हुई कार है तो उसको भी आप रेंट पर लगा सकते हैं। या फिर आपके पास अगर कोई कार वगैरह नहीं है लेकिन हाँ आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप पुरानी कार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुरानी जो टाटा एस आती है गाड़ी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा भाड़ा मिलता है और कार्स वगैरह भी में भी बहुत अच्छा खासा इनकम होता है।
तो इन गाड़ियों को खरीद कर और उसे थोड़ा सा रिपेयर वगैरह अच्छे से करवा कर किराए पर दे सकते हैं, जहाँ से आपका मंथली एक फिक्स रेंटल इनकम आएगा और यह भी एक पैसिव इनकम है और इसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं बिना कोई भी मेहनत किए। फिफ्थ आइडिया है स्टूडेंट के लिए, जो अगर थोड़े भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ उनको भी कमाना है पैसिव इनकम, तो यहाँ पर वो रील और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना क्या होगा कि रील और शॉर्ट्स उनको अपलोड करना होगा रेगुलर सोशल मीडिया पर। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप रील बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जहां से अगर कोई क्लिक करके उस सामान को खरीदता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो आपको सीधे यहां पर पैसे मिलेंगे, अच्छा खासा कमीशन यहां पर मिलता है। ये भी एक पैसिव इनकम इसलिए है क्योंकि रील आपका हमेशा देखा जाएगा, वीडियो भी आपका हमेशा देखा जाएगा और जितना देखा जाएगा उतना लोग लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और आपको कमीशन यहाँ पर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर लास्ट आइडिया है, जो लोग के पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पर शॉप या फिर हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपने दुकान खरीद लिया रोड साइड में या फिर आपने कोई घर खरीद लिया, पुराना अगर घर है फिर भी चलेगा, वहाँ पर आप उसमें रेनोवेशन करवा के और उसको फिर रेंट पर लगा सकते हैं या फिर आगे सेल कर सकते हैं। ये भी बिजनेस अच्छा खासा चलता है मार्केट में। तो जिनको भी डर लगता है कि स्टॉक मार्केट वगैरह में हम पैसे नहीं लगा सकते हैं, रिस्क है काफ़ी ज़्यादा, तो वो इन चीज़ों में लगा कर और एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपना। इस वीडियो में टोटल मैंने 6 आइडिया आपसे शेयर किया, उसके ऊपर आप काम करके और बहुत अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर 6 में से कोई भी आइडिया आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिए कौन सा आइडिया आपको पसंद आया, ताकि मुझे भी पता चले आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं। दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया है जिस पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि उसको खरीद कर आप रेंट पर दे सकते हैं, उस वीडियो को दे दूंगा यहाँ पर, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।